हेलो गाइस, अगर आप लोग भी सीखना चाहते हैं कुछ इस टाइप का एडिटिंग तो आप लोगों को क्या करना होगा, वीडियो में पूरा लास्ट तक वाचिंग करना होगा। एंड गाइस, जैसे जैसे मैं बताऊंगा आप लोगों को सेम स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करना होगा, ठीक है ना मेरे भाई। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा फोटो, इसका मैं सबसे रियल का फोटो दिखा दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा रियली फोटो। अगर आप लोग को इस पर कॉन्सेप्ट चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं इस टाइप का कॉन्सेप्ट आप लोग को ला दूंगा। और फ्रेंड्स, ये रहा जो कि मैटर करता है इस फोटो का, ठीक है मेरे भाई। तो इस फोटो को हम कुछ इस टाइप से एडिटिंग करके दिखाने वाले हैं फ्रेंड्स। और इस फोटो को एडिटिंग करने में मैं 2-4 PNG का यूज किया हूँ इसमें फ्रेंड्स, जितना भी PNG का यूज किया हूँ और करूँगा, सबका लिंक आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बना के दे दूंगा, ठीक है ना मेरे भाई। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे वॉइस में या फिर वीडियो बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आए तो छोटा भाई समझ के माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करना होगा मेरे भाई, सबसे पहले अपना जो मॉडल होगा, अपने फोटो को जिसको एडिटिंग करना चाहते हैं उसको शेयर कर देना है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। आप लोग जितने भी एप्लीकेशन देख रहे हैं ना, सब आप लोग को प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप लोग को वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है ना मेरे भाई। और सबसे फर्स्ट में आप लोग को इधर से स्क्रॉल डाउन करना है, इधर से स्लाइड करना है, आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा ये वाला ऑप्शन रिमूव वीजी, तो इस पर आप लोग को टैप करना है। एंड गाइस, टैप करने के बाद से देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा आप लोगों को। तो यहाँ पे थोड़ी देर वेट कर लेना है क्योंकि आप लोगों का जो फोटो है उसका बैकग्राउंड रिमूव हो रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे इस फोटो का बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। और फ्रेंड्स, आप लोग इसको देख के मतलब घबराइएगा नहीं क्योंकि सब सारा कुछ का सलूशन आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो यहाँ से इसको डन कर लेना है, ठीक है। आप लोगों को सिर्फ वीडियो को देख के और स्टेप बाय स्टेप को फॉलो कर लेना है, ठीक है मेरे भाई। तो इसको डन कर लेना है और डन हो जाने के बाद से आप लोग को इसमें कुछ नहीं करना है, इसको सेव कर लेना है। तो मैं यहाँ से इसको सेव कर ले रहा हूँ। और आप सेव हो जाने के बाद से आप लोग क्या करना है, यहाँ से इसको बैक आ जाना है, ठीक है। और अपना जो बैकग्राउंड है उसको ऐड कर लेना है। तो जितना भी बैकग्राउंड एंड PNG का यूज करूँगा, मैं आप लोग को पहले भी बता दिया, आप लोगों को उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड गाइस, इतना हो जाने के बाद से आप लोग क्या करना है, यहाँ पे सिंपली से जो ऐड टू फोटो वाला ऑप्शन दिख रहा है उस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। और क्लिक कर देने के बाद से जो बैकग्राउंड में इंस्टाग्राम का लोगो वाला PNG है उसको आप लोग को ऐड कर देना है, ठीक है ना मेरे भाई। तो उसको भी मैं यहाँ से ऐड कर दे रहा हूँ। अपने अकॉर्डिंग इसको बैकग्राउंड में कुछ इस तरीके से मैनेज करके सेट कर देना है और यहाँ से इसको डन कर देना है। तो मैं डन कर दिया। फिर से आप लोगों को नेक्स्ट में क्या करना है, अपने जो मॉडल का बैकग्राउंड इरेज किए थे उसको आप लोगों को ऐड कर लेना है। तो यहाँ से मैं उसको भी ऐड कर ले रहा हूँ। एंड गाइस, इतना हो जाने के बाद इसको जूम करके अपने स्क्रीन के अपने फ़ोटो के अकॉर्डिंग आप लोग कैसा चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करके, और इसको भी मेरे भाई आप लोगों को डन कर देना है जैसे कि देख सकते हैं। तो इतना हो जाने के बाद से फिर से आप लोगों को जो एक PNG है उसको भी ऐड कर लेना है। और आप लोगों को मैं जैसे जैसे बताऊंगा सेम टू सेम स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करना है। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसा ऐसा ट्यूटोरियल रोजाना आता रहता है, पर डे मैं ऐसा ऐसा ट्यूटोरियल अपलोड करता रहता हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, ठीक है ना मेरे भाई। और PNG को ऐड कर लेने बस इसको जूम कर देना है कुछ इस तरीके से। और यहाँ से आप लोग क्या करना है, और बाकी के जो अपने फेस एंड अपने कपड़े उपड़े पे जो भी आया है इसको इरेज करने के लिए आप लोग को इरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ से मैं क्लिक कर दे रहा हूँ, उसके बाद से आप लोग को यहाँ पर इरेजिंग का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो इससे आप लोग जितने भी फेस वगैरह यानी क्लॉथ वगैरह पर आया होगा उसको आप लोग को इरेज कर देना है, ठीक है ना मेरे भाई। आप लोग जैसे ही इसको इरेज करेंगे तभी आप लोग का फ़ोटो अच्छा दिखेगा एंड बिल्कुल प्रोफेशनल लगेगा, ठीक है, लगेगा कि हाँ रियली में कुछ इस तरीके का एडिटिंग हुआ है। तो इसको भी डन कर देना है। तो मेरे भाई, इतना हो जाने के बाद से देख सकते हैं आप लोगों के फ़ोटो में जैसा चाहते थे वैसा लुक नहीं आ पाया है, जैसे कि आप लोग जैसे थंबनेल पे देखे थे सेम वैसा एडिटिंग नहीं हुआ है। तो मेरे भाई, आप लोग को मैं जैसा दिखाया था ना सेम वैसे ही दिखा के एंड एडिटिंग करके आप लोग को सिखा के ही वीडियो को एंड करूँगा, ठीक है। आप लोग वीडियो में सिर्फ लास्ट तक बने रहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो ग्रीन कलर आ चुका है एंड आप लोगों का फेस टोन भी अच्छा नहीं दिख रहा है एंड बैकग्राउंड को भी आप लोगों को डार्क करना है। तो आप लोगों को क्या करना है, इजीली से इस फोटो को जल्दी से सेव कर लेना है और इसको ओपन कर देना अपने लाइटरूम एप्लीकेशन में।
तो मेरे भाई यहाँ पे देख सकते हैं मेरा फोटो आ चुका है लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो फर्स्ट में आप लोगों को लाइट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और फोटो को अपने अकॉर्डिंग मैनेज करना है कि आप लोगों का फोटो कितना पे सेटअप करेंगे तो अच्छा दिखेगा, आप लोगों का फोटो का लुक अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करके अपने फोटो का जो कि जितना भी हार्ड हो सके उतना हार्ड इसको एडिटिंग करना है, ठीक है। तो फर्स्ट में आप लोग को ब्लैक जो टोन है इसको माइनस कर देना है एंड गाइस व्हाइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा देना है, शेडोज को भी थोड़ा सा बढ़ा देना है, ज़्यादा नहीं करना है इसको, हाईलाइट को कम कर देना है, ठीक है मेरे भाई। और इतना हो जाने के बाद से कलर वाला ऑप्शन पे क्लिक करके मिक्स पे क्लिक कर देना है। फर्स्ट में जो रेड टोन है इसका सिचुएशन आप लोगों को बढ़ा देना है क्योंकि आप लोगों का बैकग्राउंड में जितना भी रेड वगैरह होगा ना वो और भी ज़्यादा डार्क दिखने लगेगा, जैसे लिप्स हो गया एंड लोगो हो गया तो सब डार्क दिखने लगेगा, ठीक है ना। उसके बाद से आप लोगों को ऑरेंज टोन को सिलेक्ट करके इसका सिचुएशन थोड़ा सा कम कर देना है एंड गाइस लुमिनेंस को बढ़ा देना है। और इतना हो जाने के बाद से आप लोगों के फेस एंड बैकग्राउंड में जो भी बच गया होगा ये सब कलर, इसको रिमूव करने के लिए जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें आप लोगों को येलो एंड ग्रीन कलर सब मिक्स दिख रहा है, तो आप लोगों को इसको रिमूव करना है ना मेरे भाई। तो आप लोगों को इजीली से कुछ नहीं करना है, जो येलो कलर है इसको भी येलो सेलेक्ट करके इसका सिचुएशन को पूरा डाउन कर देना है। जैसे कि देख सकते हैं डाउन करते ही कैसे पट से रिमूव हो जा रहा है, ठीक है। इसका ल्यूमिनेंस को बढ़ा देंगे कि ये पहचान में नहीं आएगा, जैसे कि दिखा दे रहा हूँ इस तरीके से बढ़ा लेना है कि पहचान में नहीं आए। उसके बाद से रहेगा फ्रेंड्स ग्रीन कलर, तो ग्रीन कलर को सिलेक्ट करके इसका भी वैसे ही करना है और ल्यूमिनेंस को थोड़ा सा बढ़ा देना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरे फोटो का लुक जो कि देखने में कितना खतरनाक लग रहा है। तो आप लोग को इतना हो जाने के बाद से जो कि बैकग्राउंड का कलर है आसमानी कलर, जैसे कि इसका भी सिलेक्ट करके इसका सिचुएशन को आप लोग को अपने अकॉर्डिंग मैनेज करना है, ठीक है। आप लोग जैसा इसको कलर रखना चाहते हैं, तो मेरा थोड़ा हल्का ब्लू कलर स्काई कलर रख रहे हैं तो अच्छा दिख रहा है, तो मैं ऐसा ही कर दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से इसको डन कर दे रहा हूँ। तो मेरे भाई देख सकते हैं फाइनली मेरा फोटो एडिटिंग हो चुका है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक वीडियो में समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ तक समझ में आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं रोज़ाना ऐसे ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। और आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर से मिलेंगे एक और ऐसे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।